एक बच्चा घर से मार खा के स्कूल जा रहा होता है। रास्ते में अंकल पूछते हैं, बेटा पढ़ते हो? बच्चा, नहीं, यूनिफॉर्म पहनकर मुजरा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको व्हाट्सएप की अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपको जॉक पसंद आया है या फिर आप व्हाट्सएप के रिलेटेड वीडियो हासिल करना चाहते हैं नेक्स्ट टाइम, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ दिए गए घंटी का बटन को लाजमी दबा दीजिएगा। तो दोस्तों, आज आपको मैं बताने वाला हूँ व्हाट्सएप ने एक बहुत बड़ी तब्दीली की है अपने व्हाट्सएप में। तो दोस्तों, बहुत ही कमाल की ये ट्रिक होने वाली है। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले क्या होता था कि जब भी आप किसी को मैसेज करते थे या फिर फॉरवर्ड मैसेज करते थे, तो आपका जो मैसेज होता था वो मैसेज किसी को चला जाता था, लेकिन किसी को पता नहीं लगता था कि ये फॉरवर्ड मैसेज है कि सिंपल मैसेज है आपने खुद लिखा है। तो आज आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि फॉरवर्ड मैसेज वो कर रहा है कि आपको सादा मैसेज कर रहा है या खुद लिख के मैसेज कर रहा है। ये व्हाट्सएप ने एक न्यू अपडेट की है। दोस्तों, ये वीडियो लाजमी देखिएगा एंड तक, और एंड में आपको बताऊंगा कि आप व्हाट्सएप को अपडेट और बीटा वर्जन किस तरह ज्वाइन कर सकते हैं, फिर ही आपको ये अपडेट मिलेगी। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं मेरे पास मोबाइल आपके पास सामने शो हो गया होगा। आपने सबसे पहले, मेरे पास दो व्हाट्सएप है, एक व्हाट्सएप बिजनेस है और एक व्हाट्सएप दूसरी है। तो दोस्तों, ये सिर्फ जो अपडेट है सिर्फ व्हाट्सएप ऑफिशियल में आई है, ना व्हाट्सएप बिजनेस में आई है, ना जीबी व्हाट्सएप में आई है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे दोस्तों व्हाट्सएप पे आता हूँ। व्हाट्सएप पे आने के बाद व्हाट्सएप बिजनेस पे आऊँ, यहाँ पे मैं मैसेज करके आपको दिखाता हूँ कि ये मैसेज मैंने खुद किया है कि आपको फॉरवर्ड किया है। तो दोस्तों, यहाँ पे पहले मैं मैसेज करता हूँ हाय। लेकिन जैसे मैंने हाय मैसेज किया, वहाँ पे मुझे मिल गया होगा मैसेज। तो दोस्तों, वहाँ पे जाके मैं देखता हूँ, ये देख सकते हैं आपको स्क्रीन पर, यहाँ पे भी हाय आ गया है। अब मैं यहाँ पे दोस्तों, ये इस स्क्रीन पे आ गई, यहाँ पे मैं कोई भी किसी की जो फोटो है वो मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ। जैसे यहाँ पे मुझे किसी ने अगर फोटो शेयर की होगी तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ किसी ने फोटो शेयर की हो। तो दोस्तों ये फोटो है, फोटो को मैं शेयर करता हूँ। जैसे मैं शेयर पे क्लिक करूंगा तो दोस्तों ये फॉरवर्ड पे क्लिक करूंगा। जैसे मैं यहाँ पे आ गया, यहाँ पे जोंग पे क्लिक कर दिया, अपने दूसरे व्हाट्सएप पे मैसेज ये कर दिया है। जैसे मैंने यहाँ पे टिक लग गया, वहां पे मुझे आ गया होगा। तो दोस्तों देखते हैं ये फॉरवर्ड था, ये देख सकते हैं आपको ऊपर ऑप्शन मिल रही है फॉरवर्ड। ये मैंने फॉरवर्ड पिक किया है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कितने कमाल की ये ट्रिक है कि आपको इसने बता दिया कि ये फॉरवर्डेड है, ये आपको किसी ने सेंड किया। अगर आप खुद ये देखें हाय है, यहाँ पे फॉरवर्ड नहीं लिखा हुआ क्योंकि मैंने खुद मैसेज किया था। अगर आप किसी का मैसेज आपको फॉरवर्ड करेंगे तो आपको इस तरह फॉरवर्ड लिखा आएगा, और आप अपने दोस्त को कह सकते हो कि भैया आपने फॉरवर्ड मैसेज किया है। इस तरह बहुत से आप चीज़ों से बच सकते हैं, जो गलत मैसेज आपको आते हैं या आपको एक ऐसे सर्वे करने के लिए कोई मैसेज आता है, तो आप इस मैसेज से आप खूब पहचान सकते हैं कि ये फॉरवर्ड मैसेज है कि इसने खुद लिखा है। तो दोस्तों, इसको ज्वाइन करने की आपको करना क्या होगा, आपको दोस्तों सिर्फ सिंपल जाना है प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे जाने के बाद यहाँ पे आपने सर्च करना है व्हाट्सएप। जैसे आप व्हाट्सएप सर्च करेंगे दोस्तों, यहाँ पे व्हाट्सएप मैसेंजर बीटा आपने सर्च करना है। ये देखिए मेरे पास व्हाट्सएप आ चुका है। व्हाट्सएप आने के बाद दोस्तों आपने एंड पे चले जाना। एंड पे जाने के बाद यहाँ पे आपके पास होगा आई एम इन बीटा वर्जन, आपने यहाँ पे इन कर देना। अगर आपके पास यहाँ पे आता है योर फुल बीटा वर्जन, दोस्तों आपने इसको अनइंस्टॉल करना है। अनइंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे सर्च करना है व्हाट्सएप मैसेंजर बीटा। तो दोस्तों फिर आपने इसको दोबारा इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आप फिर आपको वहाँ पे ऑप्शन शो हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी ट्रिक आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।